मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। सनातन धर्म में गाय का घी खाना ही सर्वश्रेष्ठ माने हैं। कहीं के बाद से बोलो तो गाय का घी खाने से हमारा मस्तक एक बलिष्ठ होता, सोच बढ़ता आदमी का, शरीर में सुस्ती नहीं होता, बुद्धि बढ़ता आदमी का, बहुत कुछ फायदा है गाय का घी में। भैंस का घी के भी फायदा है, नहीं बल्कि नहीं, बट इसमें क्या फ़र्क है, गाय का घी खाए तो काम नहीं करते भी वो शरीर सुस्त नहीं रहता, आदमी तंदुरुस्त रहता। भैंस का घी खाए तो क्या होता, आदमी को सुस्त बढ़ाता। जो आदमी ज़्यादा मेहनत करते वो लोगों को भैंस का घी खा सकते। भैंस का घी इसमें क्या फ़र्क नहीं है, मेहनत करना पड़ता। मेहनत करे तो हमको खाए तो डकराना, नहीं पचना, ऐसा समस्या है, आंग वजन आना, सुस्ती आना, गाय का भैंस का घी में ये समस्या है। मेहनत करके खाए तो कुछ नहीं, बट ये बोलने की वजह क्या बोले तो अब इस समय में गाय का घी मिलना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। किन के घर में देखो, चार चार भैंस है, पाँच पाँच भैंस है, एक के घर में भी गांव में चेक करे तो एक गांव में चेक करे तो बहुत से भोज बोले तो बहुत के पूरा गांव चेक करे तो एक 15 गाय मिलेंगे, वो भी कौन दूध देता कौन सा नहीं देता। बट भैंस तो बहुत है, अब क्या करना, घी तो खाना है, तो गाय का घी तो नहीं मिल सकता, हमको यही घी खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे। गाय का घी तो सर्वश्रेष्ठ है, बट गाय का घी खाना कोशिश करिए, पर भैंस का भी खा सकते। प्रणाम।